नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो नए लेटेस्ट प्रोसेसर है मीडियाटेक हेलियो G95 और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G। दोस्तों ये जो दो नए प्रोसेसर है दो नए स्मार्टफोन में आने वाले हैं। मीडियाटेक हेलियो G95 आपको मिलने वाला है रियलमी के 7 सीरीज में और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G मिलने वाला है आपको पोको X3 में। दोस्तों इनके बारे में सब कुछ जानने से पहले कभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं CPU और CPU क्लॉक स्पीड की। तो दोनों प्रोसेसर आपको मिलते हैं डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर के साथ। तो मीडियाटेक हेलियो G95 में आपको दो कोर्स मिलते हैं परफॉर्मेंस के लिए आर्म कॉर्टेक्स A76 CPU के साथ, और इसके क्लॉक स्पीड मिलती है आपको 2.5 GHz की। और बचे हुए 6 कोर्स मिलते हैं एफिशिएंसी के लिए आर्म कॉर्टेक्स A55 CPU के साथ, और इसकी जो क्लॉक स्पीड है ये मिलती है आपको 2.0 GHz की। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G में दो कोर्स मिलते हैं आपको परफॉर्मेंस के लिए आर्म कॉर्टेक्स A76 CPU के साथ, और इसके क्लॉक स्पीड मिलते हैं आपको 2.3 GHz की। और बचे हुए इसमें भी 6 कोर्स मिलते हैं आपको एफिशिएंसी के लिए आर्म कॉर्टेक्स A55 और इसके क्लॉक स्पीड मिलते हैं आपको 1.8 GHz की। बात कभी करते CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की, तो मीडियाटेक हेलियो G95 में आपको 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G में आपको मिलती है 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी। CPU आर्किटेक्चर की अभी बात करते हैं, तो इन दोनों प्रोसेसर में आपको 64 बिट्स का ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है, मतलब आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए 8 स्कोर मिलते हैं। अब बात करते ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU की, तो मीडियाटेक हेलियो G95 में आपको आर्म माली G76 का EEMC4 का GPU मिलता है और 900 MHz की क्लॉक स्पीड मिलती है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G में आपको एड्रिनो 618 का GPU मिलता है और ये आपको 730G से 15% फास्टर मिलता है। रैम सपोर्ट की कभी बात करते तो मीडियाटेक हेलियो G95 में आपको LPDDR4H की रैम मिलेगी अप टू 10GB तक की, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में आपको LPDDR4X की मिलती है अप टू 8GB तक की। स्टोरेज सपोर्ट की कभी बात करते तो दोनों प्रोसेसर में आपको सेम मिलता है EMMC 5.1 और UFS 2.1 का। और दोस्तों डिस्प्ले सपोर्ट की कभी बात करते हैं तो मीडियाटेक हेलियो G95 में आपको फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले सपोर्ट मिल सकता है और 2520x1080 पिक्सल रिजोल्यूशन मिलता है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G में आपको क्वाड HD प्लस तक का डिस्प्ले सपोर्ट है और इसमें आपको 3360x1441 तक का पिक्सल रिजोल्यूशन मिल जाएगा। इसके कैमरा सपोर्ट की कभी बात करते तो मीडियाटेक हेलियो G95 में आपको 64 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरे का सपोर्ट है और 24 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सपोर्ट मिलता है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G में आपको 48 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरे का सपोर्ट है और 22 मेगापिक्सल प्लस 22 मेगापिक्सल तक का डुअल कैमरा सपोर्ट है। दोस्तों दोनों प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है और पर्सनली मुझे दोनों प्रोसेसर अच्छे लगे। आपको कौन सा प्रोसेसर अच्छा लगा कमेंट्स करके बता दो, और वीडियो का भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाते रहते। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।